कसम तेरे प्यार की। तो यहाँ इस वीडियो में बात कर रहे हैं कसम तेरे प्यार की शो के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है शो की स्टोरी, शो की जर्नी जो थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये शो। आपको बता दें जिस तरीके से शो की कहानी थी, एक बार मरने के बाद भी अपनी कसम को निभाने तनुजा आती है, कुछ इस तरीके की कहानी रहती है शो के अंदर की। हर हाल में अपने प्यार की कसम को निभाना है। इनकी जोड़ी पर ओम शांति ओम शो का वो डायलॉग पूरी तरीके से फिट बैठता है जो कि शाहरुख खान का डायलॉग था, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। जी हाँ, और यही वजह है कि इस शो में आपका कायनात डायलॉग बहुत बार सुनते होंगे, कायनात कायनात कायनात। जी हाँ, और उस कायनात ने और माँ काली के मंदिर में कई बार ऋषि और तनुजा का मिलन भी हुआ। आप लोगों ने तो ये शो में देखा ही होगा। ये जो कुछ यूनिक कहानी थी ना, यही वजह थी कि शो के सीजन फर्स्ट को बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस ने प्यार दिया था। यहाँ पर ऋषि और तनुजा की जो जोड़ी नज़र आई थी वो लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है, और शायद ही उस जोड़ी की जगह कोई और ले सकता है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा सीज़न 2 में आप किस जोड़ी को देखना चाहते हैं। आई एम 110% श्योर आप लोग ऋषि और तनुजा को, यानी कि शरद मल्होत्रा और कृतिका सेंगर को एक बार फिर से देखना चाहेंगे कसम सीज़न 2 में। और यही वजह है कि कसम सीज़न 2 की जहां पर भी आपको खबर देखने को मिलती है, उनके फैंस लगातार ऐसे डिमांड करते हैं कि सीज़न 2 में वही जोड़ी नज़र आनी चाहिए। डेफिनेटली एकता कपूर ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे ये शो एकता कपूर का था, और अच्छी तरीके से वो जानती हैं कि फैंस क्या चाहते हैं। और फैंस और ऑडियंस के अगर मन मुताबिक शो की स्टार कास्ट नहीं होती है तो डेफिनेटली शो की TRP पर काफ़ी इफेक्ट होगा। सो आपको यहाँ पर कृतिका और शरद की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिले, इसलिए अपनी कमेंट्स के ज़रिए अपनी डिमांड हाई रखिएगा और आपकी डिमांड पूरी होती जल्द से जल्द नज़र आएगी। आपको बता दें बीते कुछ टाइम में ऐसी खबर सामने आ रही थी कि यहाँ पर सीज़न 2 में उनकी बेटियों पर कहानी आगे बढ़े, बेटियों पर कहानी आगे बढ़े या कैसे भी यहाँ पर आपको ये जोड़ी नज़र आ सकती है, क्योंकि मेकर्स जो चाहें वो कर सकते हैं। अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।